हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू लेक्चर नंबर 4 ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। और यहाँ पे ट्रैकअप पे एक बार फिर से आप यहाँ पे जो फोर्थ लेक्चर है वहाँ आप प्रोवाइड होगा आपको आज। और क्लास 12th के लिए है ये फिजिक्स का जो हमारा चैप्टर चल रहा है यहाँ पे। और स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 4। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को ताकि और लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। सो स्टार्ट करते हैं। आज का अपन का पहला जो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल को समझते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल बेसिकली एक सिस्टम होता है चार्जेस का। वो सिस्टम किस तरह से होता है इसको समझते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल दरअसल एक ऐसा सिस्टम होता है, वहाँ पे क्या होता है कि सेम चार्जेस होते हैं लेकिन वो उनमें जो नेचर होता है, जैसे मैग्नीट्यूड जो होता है सेम रहता है दो चार्जेस का, लेकिन जो नेचर होता है जो चार्ज उन पे पॉजिटिव नेगेटिव का जो नेचर होता है वो अपोजिट हो जाता है। अगर एक चार्ज आपका पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव हो जाएगा इसी तरीके से। और ये जो डिस्टेंस होती है दोनों चार्जेस के बीच में, यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हमारा प्लस क्यू चार्ज है, ये हमारा माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। लेकिन हमेशा हम करते क्या है, यहाँ पर तो मैंने प्लस क्यू माइनस क्यू लिखा और ये कुछ स्मॉल डिस्टेंस के पे है, स्मॉल डिस्टेंस है इनके बीच में। तो ये सिस्टम क्या है, ये सिस्टम जो हमारा ओवरऑल सिस्टम बना और इनके बीच जो डिस्टेंस है वेरी स्मॉल है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस है, ठीक है। ये दोनों चार्जेस हैं प्लस क्यू माइनस क्यू, अमाउंट सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है दोनों चार्जेस का, बस जो यहाँ पे नेचर है जो चार्जेस का वो अलग अलग है, वो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। और ये जो सिस्टम हमारा बना इसे हम कहते हैं सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक इसलिए कहते हैं क्योंकि चार्जेस हैं और डाइपोल मतलब आप समझते हैं, डाई मीन्स आपका होता है टू और पोल मीन्स तो आप समझ ही रहे हैं बॉडी, आप पोल कुछ भी कह सकते हो। तो ये सिस्टम हमारा बन के आता है। अब इस सिस्टम को जब हमें दिखाना होता है यही सिस्टम, अब एक छोटी सी डिफिनेशन लिख लेते हैं। क्या है, इट इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है, बहुत छोटी डिस्टेंस पे होते हैं। और यही हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डेफिनेशन भी और यही हमारा सिस्टम भी है कि दोनों अपोजिट चार्जेस होते हैं लेकिन इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं, वो वेरी स्मॉल डिस्टेंस में होते हैं। अब इसके आगे जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक है, इसको समझते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बेसिकली यही बताता है आपको कि जो हमारा मैग्नीट्यूड होता है डाइपोल, जो हमारा यहाँ पे सिस्टम जो एक्टिव रहता है यहाँ पे प्लस क्यू माइनस क्यू का, माइनस क्यू प्लस क्यू जो हमारे चार्जेस होते हैं दोनों में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो बताता है उसी को हम कहते हैं हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड बताता है कि कितना आपका डाइपोल जो है वो कितनी इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आप कह सकते हो कि मैग्नीट्यूड बताता है कि दोनों चार्जेस और जो डिस्टेंस है इनके बीच का जो प्रोडक्ट होता है, इसको फिजिक्स के लैंग्वेज में हम इसी तरीके से डिनोट करते हैं, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्जेस, यानी कोई भी एक चार्ज आप ले सकते हो, एनी चार्ज है प्लस क्यू हो चाहे माइनस क्यू हो, ठीक है, एंड डाइपोल लेंथ ऑफ द डाइपोल, ठीक है। ये तो बहुत बेसिक सी डिफिनेशन हो गई, इसको आपको याद नहीं करना क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। हाँ, आपको अगर कोई नंबर एक नंबर में आ जाता है क्लास में तो आप बता सकते हो, लेकिन जो बेसिक मतलब इसका क्या है मैं आपको दो सिस्टम बना लेता हूँ। यहाँ पे मेरा माइनस क्यू चार्ज है, ये मेरा प्लस क्यू चार्ज है, इनके बीच की डिस्टेंस है, ये कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। बात ये होती है कि हमने यहाँ पे लिखा है कि वेरी स्मॉल डिस्टेंस, इसलिए इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है बहुत छोटी होती है, इसीलिए हम क्या करते हैं इतनी छोटी होती है कि हम इसको अगर ए लिख दें, मतलब हमारी जो टोटल डिस्टेंस ए होगी वो ए नहीं होती, हम मान लेते हैं कि इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो टू ए है, ठीक है। वो इसलिए मानते हैं कि वेरी स्मॉल डिस्टेंस होती है, छोटा डिस्टेंस आप कितना दिखाओगे इसलिए टू ए दिखा दिया जाता है, ए नहीं दिखाया जाता है। बस आपको इस तरह समझना है कि 2a होती है इनके बीच की डिस्टेंस, a नहीं होती है। a आप होल्ड कर सकते हैं, जब इनके बीच की डिस्टेंस आप ले लेंगे तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस की हो जाएगी और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस की हो जाएगी। ये इसको हम कहते हैं जो 2a होता है इसको कहते हैं डाइपोल लेंथ, ठीक है, डाइपोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है दोनों चार्जेस के बीच वेरी स्मॉल होती है।
और ये जो हमारा कोई भी चार्ज ले सकते हैं, प्लस क्यू ले सकते हैं, माइनस क्यू ले लेते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट में तो मैग्नीट्यूड तो कभी आपका प्लस क्यू माइनस क्यू तो हो ही सकता है, उसमें कोई भी एक चार्ज आप ले सकते हो। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसको समझते हैं क्यों होती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेशन होती है वो क्या होती है, माइनस क्यू से निकल के प्लस क्यू तक जाती है, इनका जो डायरेक्शन होता है, आप ये नहीं कह सकते निकल के जाती है, बेसिकली आप कह सकते हो कि जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन जो होता है ये माइनस क्यू से चल के प्लस क्यू तक जाता है, जो इस इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का जो डायरेक्शन हमारा होता है, ठीक है। और इसको हम पी से डिनोट करते हैं, पी से, स्मॉल पी से, इसको वेक्टर फॉर्म में हम लिखते हैं, और क्यू इंटू टू ए, ठीक है, टू ए हमारा जो जाता है वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्टेंस भी हमारा इससे यहाँ से लेके माइनस क्यू से प्लस क्यू तक है डायरेक्शन में है, इसलिए हम मान लेते हैं कि टू ए भी जो हमारा है वो डायरेक्शन में, इसको हम डायपोल लेंथ समझते हैं, ये हमारा क्यू है, कोई भी क्यू ले सकते हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू दोनों में से एक कोई चार्ज, दोनों नहीं ले सकते। और छोटी छोटी बातें और, एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट ऑफ डायपोल मूमेंट, ठीक है, एसआई यूनिट आपकी हो जाएगी यहाँ पे कूलम मीटर, ठीक है, कूलम मीटर, सीएम, सीएम मत समझिए, कूलम मीटर है। और यहाँ पे डायरेक्शन मैंने आपको बताया है, डायरेक्शन क्या होती है डायपोल मूमेंट की, डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूमेंट इज फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू, ठीक है, माइनस क्यू से आपका चार्ज निकलता है और प्लस क्यू तक जाता है, यहाँ पे आपको आप साफ दिख रहा होगा। ऐसा ही यूनिट जो है डायपोल मूवमेंट की क्या है, कूलम मीटर है, और जो डायरेक्शन होती है डायपोल मूवमेंट की वो माइनस क्यू से प्लस क्यू तक आपके पास निकल के जाती है, ठीक। अब छोटी छोटी बातें और समझते हैं आगे, और एक छोटा सा डेरिवेशन करते हैं, उसके आगे बात समझते हैं। अब यहाँ पे अपना अगला डेरिवेशन, जो अगला पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, और जो उसमें पहला जो हमारा केस है वो एट एक्सियल पॉइंट, मीन्स कि दो हमारे पास डायपोल या डायपोल हमारा सिस्टम इलेक्ट्रिक डायपोल का, इसमें अगर इस ये कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही, क्योंकि चार्जेस हैं वो, इन दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको दिखेगी, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी इस डायपोल से वो हम तभी पता लगा सकते हैं जब एक टेस्ट चार्ज हम इसके पास लेके आएंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि एक टेस्ट चार्ज हमने यहाँ पे ले आया, वो पॉइंट पी पे है, इनकी डिस्टेंस जो इस इलेक्ट्रिक डायपोल से है इनकी, ठीक। हम ये भी मान लेते हैं कि इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, इस चार्ज माइनस क्यू से इस चार्ज प्लस क्यू तक की जो डिस्टेंस है वो टू ए है, हमें सबको पता है। इसकी एक ओरिजिन हम मान लेते हैं, ये मान लेते हैं ओरिजिन ए है, ओ है सॉरी, और यहाँ पे इस ओरिजिन से माइनस क्यू की डिस्टेंस ए है, और इस ओरिजिन से प्लस क्यू की डिस्टेंस भी ए है, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। और मान लेते हैं कि इसकी जो डिस्टेंस है कुछ इस पी तक, पी पॉइंट तक, ठीक है, इस ओरिजिन से इस पी की डिस्टेंस, फिर से इस ओरिजिन ओ से पी की डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि वो उस ओरिजिन से पी की डिस्टेंस आर है, उस आर डिस्टेंस पे है, ठीक है। और इस आर को समझने से एक चीज और, जो क्वेश्चन में जो आपका आंसर, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपका पूछता है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट इज एक्सियल पॉइंट, और इस दोनों चार्जेस की कोई मतलब एक चार्ज तो आपको बताएगा, जो उसमें डिस्टेंस बताएगा कि जितने डिस्टेंस पे वो पी चार्ज है वो इसी आर की बात करेगा, और वो आर जो होगा वो ओरिजिन से डिस्टेंस होगी, ना कि इस प्लस क्यू से पी या फिर इस माइनस क्यू से पी की डिस्टेंस, नहीं, हमेशा ओरिजिन से ही उसकी डिस्टेंस जो होगी वो देखी जाएगी उस क्वेश्चन में, ठीक है, जो आपको गिवन होगा। अब समझते हैं धीरे धीरे चीज़ को, अब समझ लेते हैं कि अब हमें क्या करना है, यहाँ पे डिस्टेंस तो हमें फाइंड करना है। अब एक चीज़ और समझ लेते हैं कि ये जो प्लस क्यू हमारा होगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पे लगाएगा, उसकी जो डायरेक्शन होगी उस फील्ड की किधर होगी, इस तरफ होगी ना, क्योंकि रेडियली आउटवर्ड निकलता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, सो इस प्लस क्यू से इसका जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, लेकिन जो माइनस क्यू हमारा जो रहेगा उस वो किस तरफ लगाएगा, क्योंकि एक बात और भी है, क्योंकि जो P हमारा चार्ज है ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज हम लेते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, इसीलिए इस प्लस Q से इसके ऊपर रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, और इस वजह से इसकी जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो किधर होगी, इस तरफ होगी, मतलब आउटवर्ड होगी। इसकी डायरेक्शन को हम समझ लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ प्लस Q, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लस Q इधर निकलेगी। सेम अगर हम माइनस क्यू से देखें इसकी डिस्टेंस, इसका फोर्स की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो इधर कितनी इधर लगेगी, यानी इसके इनवर्ट जाएगी, मतलब इसी की तरफ जाएगी, ये जो डायरेक्शन होगी ई माइनस क्यू होगी।
अब इन्हीं दोनों का अगर हम सम कर लेते हैं इन्हीं दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी का, तो हमें पता चल जाएगा कि आखिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है। अब हमें यही सॉल्व करना है, लेकिन कुछ बातें हैं अभी हमें क्या नहीं पता है। अभी हमें इस माइनस क्यू से पीक डिस्टेंस नहीं पता है और इस क्यू से इस पीक डिस्टेंस नहीं पता है। आपको साफ दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इसको एक नाम दे देते हैं, मान लेते हैं ये जो हमारा पॉइंट है ये ए है, ये जो पॉइंट है हमारा बी है, और ये पॉइंट तुम्हारा पी ही है। हमें बी पी चाहिए, बी से पी की डिस्टेंस, अगर प्लस क्यू से हम पी की डिस्टेंस पता चलना चाहते हैं तो बी पी लिख लेते हैं। और बी पी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ये हमारा टोटल आर है, इस आर में से ये ए को माइनस कर दें तो ये डिस्टेंस हमारी इतनी तो बचेगी। देखिए यार, ये माइनस है, इतने जब इसमें से इतना माइनस कर देंगे तो बचेगा तो हमारा इतना ही डिस्टेंस। इसीलिए बी पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर माइनस ए, ठीक। अब हमें दूसरी डिस्टेंस क्या पता करनी है, ए पी पता करनी है। ए पी, अब ए पी हम पता कर लेते हैं। ए पी क्या होगा, ए पी ये इस डिस्टेंस यहाँ से पी से ओरिजिन तक की आर है, और प्लस ए यानी इसके ओरिजिन से ए की डिस्टेंस ए है। इन दोनों को सम कर लेंगे तो हमें ए पी की डिस्टेंस पता चल जाएगी, वो होगी आर प्लस ए, ठीक। अब हमें डिस्टेंस पता चल गया है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला पता है क्या होता है, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, अलॉन्ग विद डायरेक्शन। आप कैप लगा दोगे उस डायरेक्शन में तो आपको पता चल जाएगा कि डायरेक्शन भी दिखा रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी, दोनों की जो कंबाइंड इंटेंसिटी होगी वो हमारी जो वैल्यू निकालेगा वही एक्सिल पॉइंट पे इसको पता चलेगा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये दिखा रहा है। एक्सिस पे है क्योंकि ये देखिए अलॉन्ग द एक्सिस है ना, ये चार्ज इधर या इधर कहीं ऊपर नीचे तो नहीं है, अलॉन्ग द एक्सिस अलॉन्ग द लाइन है, ठीक। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब शुरुआत करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एफ आई एट पी ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, प्लस क्यू से निकालते हैं, प्लस क्यू में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगेगी। सो ई ऑफ प्लस क्यू इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू और बी पी का स्क्वायर, ठीक। और ये तो हमारा साइन आप समझ ही रहे हो, साइन नहीं लिखते हैं यहाँ पे डायरेक्ट, जब माइनस होगा हमारा, अभी बताते हैं आगे क्यों नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे आप ले भी सकते हो पी की जो यहाँ पे एक हम मान लेते हैं जो डायपोल मूवमेंट आप दिखा रहे हो कि यहाँ पे जो डायपोल मूवमेंट है आपका पी है, ठीक। इस पॉइंट को आप पी को नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप आगे जब आप सॉल्व करोगे तो 1/4πε0 क्यू और बी पी की डिस्टेंस क्या है, आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसकी जो डायरेक्शन होगी अलॉन्ग बी पी होगी, बी से पी की डिस्टेंस पे तो इधर जाएगा ये, अलॉन्ग बीपी का कहने का, अलॉन्ग बीपी का कहने का मतलब है कि इधर से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू से हमारा निकल रहा है, ये कुछ इधर ही तो निकल रहा है अलॉन्ग बीपी, ठीक है, आपको यहाँ दिख रहा है। और अलॉन्ग बीपी, अब इसलिए अलॉन्ग बीपी जब आप लिख दोगे तो यहाँ पे आपको ये कोई साइन लगाने की जरूरत नहीं है, अलॉन्ग बीपी आपकी डिस्टेंस जा रही है। और हम फिर से निकाल लेते हैं ई एफ आई ड्यू टू माइनस क्यू एट पी, ठीक। अब यहाँ पे निकाल लेते हैं 1/4πε0, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चार्ज हमारा माइनस क्यू हो जाएगा और आर प्लस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। वैसे आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे मैं माइनस क्यू नहीं भी लिखूं, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्टली माइनस क्यू लिख दें क्योंकि चार्ज हमारा माइनस में गिवन है यहाँ पे, और इस चार्ज को हम यहाँ पे प्लस क्यू ही लिख लेते हैं। यहाँ पे समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे माइनस क्यू दिखा दिया था, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि प्लस क्यू क्योंकि मैग्नीट्यूड तो आप हमेशा पॉजिटिव मानते हो किसी भी चीज़ का। हाँ, आप डायरेक्शन बता सकते हो इसका, जो यहाँ पे जो डायरेक्शन होगा अलॉन्ग पी ए होगा, यानी पी से ए की तरफ जाएगा, इसका जो डायरेक्शन होगा वो कुछ इस तरीके से वापस की तरफ जाएगा, जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे डिस्टेंस दिख रहा होगा कि पी से ए की तरफ जाएगा क्योंकि निगेटिव चार्ज है। प्लस क्यू मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मैंने यहाँ पे जो बात होती है जो चार्जेस का, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होती है, यहाँ पे आपको चार्ज से मतलब नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन से बात होती है कि डायरेक्शन किस तरफ जा रही है। अगर डायरेक्शन आप बता दे रहे हो तो वो चाहे वो प्लस क्यू चार्ज हो चाहे माइनस क्यू चार्ज हो, यहाँ पे इस क्यू का कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको आप पॉजिटिव ले सकते हो। अब ई नेट हम निकाल लेते हैं, यहाँ पे ई नेट निकाल लेते हैं, वो हमारा क्या होगा, ई प्लस क्यू, ठीक है,
प्लस ई माइनस क्यू। यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है। अब यहाँ पे मैं चाहे मैं माइनस ले लेता पहले से ही तो डायरेक्ट प्लस कर देता, लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं कि प्लस क्यू इसको समझाया हमने और डायरेक्शन के बेस पे क्या कर लेते हैं, ये दोनों का जब वेक्टर एडिशन करना है, लेकिन डायरेक्शन क्या है अलग अलग है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ माइनस क्यू की तरफ, माइनस क्यू की पी की तरफ है और इसका प्लस क्यू की तरफ है। या तो आप डायरेक्शन बता के इसको प्लस क्यू लिख सकते हो, लेकिन डायरेक्शन अगर उल्टा कर दोगे, यहाँ पे सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं, अगर डायरेक्शन आप बता दोगे कि चलिए पी ए की तरफ है और ये बी पी की तरफ है, तब आप यहाँ पे डायरेक्ट प्लस करके फिर इसका साइन यहाँ बदलना पड़ेगा आपको, क्योंकि डायरेक्शन तो अलग अलग है, जब डायरेक्शन अलग होगी तो माइनस हो जाएगा। नहीं तो अगर आपको डायरेक्शन नहीं बतानी है तो यहाँ आप डायरेक्ट माइनस क्यू लिख सकते हो, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, फिर आप डायरेक्ट माइनस क्यू करके आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन जब हमने वेक्टर पे यहाँ सॉल्व किया तो यहाँ पे अभी तो मैंने प्लस लिखा है, यहाँ पे भी मैंने प्लस लिखा, लेकिन डायरेक्शन की वजह से क्या होगा, ये माइनस में हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ये मेरा जो वैल्यू होगी। तो यहाँ पे इस पूरे क्वेश्चन में हम क्यू अपॉन 4π0 तो बाहर ही निकाल सकते हैं, इसी फायदे की वजह से मैंने प्लस वहाँ पे माइनस क्यू नहीं लिया था, 4π0। और अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1/r-a का होल स्क्वायर माइनस 1/r+a का होल स्क्वायर। ठीक है, आपको यहाँ डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे आगे क्यू अपॉन 4π0, यहाँ पे ऊपर हो जाएगा हमारा r+a का होल स्क्वायर माइनस r-a का होल स्क्वायर, यहाँ पे नीचे हो जाएगा r-a का होल स्क्वायर r+a का होल स्क्वायर। जब आप इन चीज़ों को सॉल्व करोगे आगे जाके तो आपको वैल्यू मिलेगी, वो वैल्यू मिलेगी आपकी, और उसको समझते हैं वैल्यू को, ये मिलेगी क्यू अपॉन 4π0 और इधर आपको मिल जाएगी 2a × 2r अपॉन r-a का r² - a² का होल स्क्वायर, क्योंकि r-a r+a है, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे इक्वेशन आपकी बन जाएगी। यहाँ पे क्या होता है कि इस q को हम इस a के साथ कर लेते हैं, क्योंकि q इंटू 2a हमें पता है ये हमारी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू होती है, ये जो पी होता है इसका सॉल्व करते हैं समझते हैं, यही तो हमारी वैल्यू निकल के आई है। जब इस क्यू और इन टू को एक साथ कर लेंगे तो ये वैल्यू हमारी पी आ जाएगी, और जब पी आ जाएगी इसको सॉल्व कर लेते हैं 1/4π0 पी इंटू 2r हो जाएगा अपॉन r² - a² का होल स्क्वायर। डायरेक्शन आप बता सकते हो, फिर से वेक्टर पी लगा सकते हो, ठीक है। और लेकिन एक चीज़ हम यहाँ पे गौर करते हैं, यहाँ पे r² - a² लिखा हुआ है, उसका होल स्क्वायर है। एक चीज़ आपको यहाँ समझना होगा, ये समझना होगा कि यहाँ पे जो वैल्यू हमारी आ रही है, जो हमारी r डिस्टेंस थी, जो r है वो हमारा बहुत बहुत बड़ा है, बहुत बहुत बड़ा है, किससे, a से बहुत बड़ा है। r स्क्वायर तो वैसे भी r की डिस्टेंस, आप प्लस के उस डिस्टेंस को तो आप कहीं भी ले जा सकते हो, उसकी डिस्टेंस r कर सकते हो उस ऑरिजिन से, लेकिन ये जो a हमारी होती है तो a बहुत छोटी वैल्यू है। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया कि a तो आप दिखा भी नहीं सकते कितनी, इसलिए हम 2a वहाँ पे वैल्यू लेते हैं। इसीलिए क्या होता है कि a और उसका भी स्क्वायर इतनी छोटी वैल्यू, तो कहीं ना कहीं r स्क्वायर और a स्क्वायर की जो वैल्यू होती है, r स्क्वायर बहुत बड़ा होता है एज कम्पेयर टू a स्क्वायर, इसीलिए इतनी बड़ी क्वांटिटी होती है r स्क्वायर की कि इस a स्क्वायर को हम क्या कर लेते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। अब इस इक्वेशन जब हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर निकल जाएगा 1/4π0 पी इंटू 2r, यहाँ a स्क्वायर तो हमारा गायब ही हो गया, r के पावर 4 हो जाएगा, इस जब सॉल्व करेंगे तो एक r हमारा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो r के पावर 3 हो जाएगा। इसको एक बार फिर से लिख लेते हैं 1/4π0 पी अपॉन, इस p के साथ एक और वैल्यू यहाँ पे 2 लिखी हुई है, वो 2p इसको बना देगी, और जो 2p/r³ ये हमारा टोटल आंसर आ जाएगा। इसको फिर से लिख लेते हैं एक बार, कन्फर्म रहे ई नेट ऑन इक्वल एक्सिस पॉइंट 1/4π0 2p/r³। अगर आपको कोई यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बाहर अगर कोई भी चार्ज आपको दिया हो, वो कुछ डिस्टेंस उसकी ओरिजिन से हो r, ठीक है, और उसके बाद क्या हो कि और आपको ये पता हो कि इनकी जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, उस डाइपोल मोमेंट को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये जो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा ये फाइनल होगा और ये हमारा निकल आएगा एट एक्सिस, ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए।
अब जो अपना अगला पॉइंट है वो एट इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमें निकालना है। इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालते कैसे हैं, पहली बात समझते हैं इक्वेटर लाइन या इक्वेटोरियल लाइन होती क्या है। इक्वेटोरियल लाइन बेसिकली ये होती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, मतलब कि इन दोनों के एक्सिस पे, इसे मान लेते हैं हमारा ये एक्सिस है, यहाँ पे इसकी डिस्टेंस इससे इस एक्सिस से ए है, इस एक्सिस से इस प्लस क्यू की डिस्टेंस ए है, यहाँ पे इस एक्सिस से हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जब आप मैथ में पढ़ेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है पहली बात तो, और ये बिल्कुल एक इक्वल डिस्टेंस से ये हमारी फॉर्मेशन होती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। और इस पॉइंट मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट P है और इसी पे हम कोई एक टेस्ट चार्ज ला के रखती हैं, और इस पॉइंट पे, इस इक्वेटोरियल पॉइंट पे ही हमें पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। ठीक है, बात कंफर्म, इक्वेटोरियल लाइन होती क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है उसके एक्सिस पे 90 डिग्री पे, और उस इक्वेटोरियल पॉइंट पे कोई एक पॉइंट मैंने P रख दिया है, अब हमें P पे पता करना है। ठीक है, ये तो डिस्टेंस हो गई ए, ये हो गया हमारा 90 डिग्री क्योंकि परपेंडिकुलर है बाइसेक्टर है, इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी इसको सॉल्व फाइंड करते हैं। ठीक है, ये डिस्टेंस होगी हमारी, पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम पता करें, पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है, उस पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा ये जो, अच्छा मान लेते हैं कि इस एक्सिस से, क्योंकि वहां भी हमने एक्सिस से डिस्टेंस की पता की थी, मान लेते हैं इस एक्सिस से, इस ओरिजिन से, मतलब इस परपेंडिकुलर, ये जो हमारा डाइपोल का ओरिजिन है, इससे जो डिस्टेंस है इस पॉइंट पी की वो आर है। ठीक, और ये हमें डिस्टेंस पता करना है कि भैया इस डिस्टेंस से, मतलब यहाँ पे इसकी डिस्टेंस क्या होगी और इसकी डिस्टेंस क्या होगी। ठीक है, पता करते हैं, ये ए है, ये आर है, पर एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम से इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि हमने पढ़ के रखा है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। उसी सेम तरीके से इसकी भी डिस्टेंस जो है वो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। अब ये तो आपको पता ही क्यों यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को, सेम ही कंडीशन है, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल है, ये भी ए है, ये भी आर है, आप तो पता है कैसे निकलेगा। अब इसको नाम दे देते हैं, मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है हमारा। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस हमारा पी तो है ही, और अब फाइंड करते हैं कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी कैसे, इंटेंसिटी किस डायरेक्शन में लगेगी और कितनी लगेगी, इसको समझते हैं। सो पहले हम पता करते हैं कि प्लस क्यू के लिए जो हमारी डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो क्या होगी। प्लस चार्ज है, ये भी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसके लिए जो डायरेक्शन होगी वो कहीं ना कहीं इस तरफ जाएगी ना, समझ रहे हैं आप, और ये इस तरफ जाएगी। अगर इस पर मैं लाइन खींच दूँ, एक एक्सिस पे एक लाइन खींच दूँ, ये थीटा एंगल बनाएगी, हमें वेक्टर पे पता करना ना, डायरेक्शन पता करनी पड़ती है, थीटा डिग्री बनाएगी, और ये माइनस क्यू इस पॉजिटिव यूनिट चार्ज पे कौन से डायरेक्शन पे, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, पहले यहाँ लिख लेते हैं, डायरेक्शन है इसकी ई प्लस क्यू है। ठीक है, क्योंकि प्लस क्यू की जो डायरेक्शन है वो उस तरफ जा रही है, और इसका जो एंगल बना रही है वो थीटा बना रही है मान लेते हैं, और यहाँ पे ये माइनस क्यू अब कितना, किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी बनेगी, वो इसके जस्ट इनवर्ड बनेगी, क्योंकि हमने पढ़ के रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इनवर्ड आती हैं माइनस क्यू के, अगर उसके अपोजिट में कोई प्लस चार्ज है, प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है हमारी। सो इस प्लस क्यू से ये चार्ज निकल के माइनस क्यू की डायरेक्शन में आएगा, इसलिए इसकी जो डायरेक्शन, और इसमें भी ये थीटा एंगल बनाएगा। ठीक है, ये थीटा एंगल बनाएगा, वो थीटा कुछ भी हो सकता है, और अब इसमें हम डायरेक्शन लिख लेते हैं ई ऑफ माइनस क्यू, इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर, इन दोनों थीटा को कंबाइन कर लें तो ये हमारा टू थीटा हो जाएगा। अब भाई कंबाइन तो करना ही, इनको जब ऐड करना है, जब हमें वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लस क्यू प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ माइनस क्यू को जब हमें एडिशन करनी है, नेट निकालना है, तो इन थीटा को हमें ऐड करना पड़ेगा, पर टोटल हमें एंगल चाहिए ना, तो ये टू थीटा हो जाएगा। और हमें यही पता है जो फॉर्मूला होता है ई नेट का क्या होता है, दो वेक्टर का एडिशन सम क्या होता है, ए स्क्वायर, जैसे मान लेते हैं कोई दो वेक्टर है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, उसी फॉर्मूले पे हम रख देंगे, फिर हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी। पहले हम निकाल लेते हैं ई प्लस क्यू क्या होगी, यहाँ पे आराम आराम से ई प्लस क्यू निकालते हैं, वो क्या होगी, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर
आप आगे लिख सकते हो इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन अलोंग बीपी है, बी से टी की तरफ जा रही है, बताने की जरूरत नहीं है, एक बार बताया मैंने आपको बी से टी जाएगी क्योंकि तो पॉजिटिव है। और सेम इसी तरीके से ई माइनस क्यू की जो डिस्टेंस होगी, जो हमारा निकल के आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 πε0 क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मैंने निगेटिव नहीं रखा है, मैंने एक्सप्लेन किया था आपको पिछले वीडियो में पिछले थोड़ी देर पहले। और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, अलोंग पी ए होगी, ठीक है, अलोंग पी ए, डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है, भले ही ई नेट हमारा निकलेगा लेकिन होगा क्या, माइनस। आगे समझते हैं, अब यहाँ पे हम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगाएंगे, ई प्लस क्यू ई माइनस क्यू होल स्क्वायर जो भी हम लगाएंगे यहाँ पे ई नेट लगाते हैं। अच्छा माइनस तो होगा नहीं क्योंकि अपोजिट तो नहीं है, तो कुछ एंगल बना रही है ना, तो एक बार फिर से फार्मूला लिख लेते हैं, ई प्लस क्यू का होल स्क्वायर प्लस ई माइनस क्यू का होल स्क्वायर टू ई प्लस क्यू ई माइनस क्यू कॉस टू थीटा, यही तो होगा क्योंकि टोटल जो एंगल बन रहा है कॉस टू थीटा बन रहा है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो हमारा जो वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा 2e स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 2e स्क्वायर प्लस क्यू कॉस 2 थीटा, ठीक है। आगे आपकी वैल्यू निकल के आएगी e प्लस क्यू, जो अंदर आएगी 2 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और फिर जब आगे आप लेके जाएंगे इसको e प्लस क्यू 2 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फार्मूला है, सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फार्मूले हैं, अगर आपको पता है तो आपके लिए आसानी होगी इनको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। यहाँ तक मैंने सॉल्व किया, सो हमारा जो इक्वेशन निकल के आया, जो ई नेट निकल के आया वो ये निकल के आया, ई प्लस क्यू कॉस थीटा। अब मैं यहाँ पे आपसे ये कहूँ कि भैया बताइए कॉस थीटा की जो वैल्यू है अगर यहाँ कहीं निकल सकती है क्या, तो आपका आंसर होगा जी हाँ सर, यहाँ निकल सकती है, कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी वो यही तो होगी ए अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, ए अपॉन ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल पावर 1/2, दिख रहा ना ये आपको, दिस अपॉन दिस इज कॉस थीटा। अब इसी वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दोगे अगर आगे ले आके, तो यहाँ पे वैल्यू क्या निकल आएगी, निकल आएगी ई प्लस कॉस इसकी वैल्यू, ठीक है। अब लिख लेते हैं आगे वैल्यू, तो ई की जो वैल्यू होगी, अभी इन्हें डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं, ई की जो वैल्यू होगी क्या होगी, 1/4 πε0 इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो है ये, तो क्यू अपॉन आप लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/2 इन टू कॉस थीटा, क्यू है यहाँ पे और फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इन टू ए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ पे मैं आपको पूरा इक्वेशन यहीं पे सॉल्व कर देता ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। जो हमारा टोटल समराइज करने के बाद जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, वो वैल्यू हमारी निकल के आती है E इज इक्वल टू 1/4 πε0 पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के होल पावर 3/2। फिर से वही कंडीशन, आर बहुत बड़ा है ए से, इस वजह से इस ए स्क्वायर को हम नेगलेक्ट कर देते हैं, जो हमारी वैल्यू निकल के आती है वो आती है 1/4 πε0 पी अपॉन आर क्यूब, ये हमारी निकल के आ गई ऑन इक्वेटोरियल, ठीक है। और इस कंडीशन से हमें पता चल रहा है कि जो ई एक्सियल था वो 2 times ऑफ ई इक्वेटोरियल था, क्योंकि वहां पे क्या था, 2p अपॉन आर क्यूब था, 1/4 πε0 पी अपॉन आर क्यूब था, और यहाँ पे 1/4 πε0 पी आर क्यूब है, और वहाँ पे 2p अपॉन आर क्यूब था, सेम, यानी एक इक्वेशन निकल के आ गया ई एक्सएल इज इक्वल 2e ऑफ इक्वेटोरियल, ठीक है। ये बेसिक बात थी, और यहाँ पे आपको फॉर्मूले में आपको चीज़ें गिवन रहेंगी, आप डायरेक्ट इक्वेशन पुट करेंगे आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। और मिलते हैं अगले लेक्चर में और समझेंगे यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छे तरीके से, मिलते हैं अगले लेक्चर में।
तब तक ये लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, स्टे होम एंड स्टे फिट। जय हिंद।